सब कुछ नॉर्मल है, बट कई सारे थोड़ी सी हिल हिलावट हुई है हमारे गुड्डे। ओ भाई। तो गाइस यार, जो आज की वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी होने वाली है। देखिए गाइस यार, आप लोगों ने एनाबेला की कहानी तो सुनी होगी, उसमें एक गाइस यार अच्छी सी गुड़िया होती है, अच्छी नहीं होती गाइस, डरावनी होती है, बट मुझको वो अच्छी लगती है। उसमें ना एक भूत आ जाता है, वो भी मिडनाइट में, और गाइस यार उसी को देखते हुए आज हम लोग एक गेम खेलने वाले हैं जिसका नाम है मिडनाइट टेडी बियर गेम। इस गेम को गाइस यार आमतौर पर 12 बजे के बाद खेला जाता है, इसीलिए गाइस इसको मिडनाइट गेम बोला जाता है। और गाइस करना इसमें कुछ नहीं है, हमको एक गोल सर्कल लगाना है, उसके अंदर गुड्डे को बिठाना है और कुछ मंत्र वगैरह बोलने हैं। और गाइस यार पुराने बुजुर्गों का कहना है कि ऐसा करने में इसके अंदर आत्मा आ जाएगी। वैसे गाइस यार मैं पूरा श्योर नहीं हूँ इसके अंदर कुछ आएगा भी या नहीं आएगा, वही आज हम लोग देखने वाले हैं, क्या इसके अंदर कुछ सच में आने वाला है या नहीं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस और डरावनी होने वाली है। वीडियो कर दो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस यार अभी पूरे मिडनाइट का समय हो चुका है और मैं अभी आपको गूगल टाइम दिखाता हूँ। हेलो गूगल टाइम, ये देखो गाइस यार अभी 12:03 हो चुके हैं और फिलहाल गाइस अभी पूरी अंधेरी रात भी पड़ी है। एक बार हमारे चारों तरफ देखे गाइस यार, ओ भाई साहब, हम ना गाइस यार एकदम सुनसान रास्ते पर हैं, जिस रास्ते पर कोई भी नहीं आता गाइस यार। नॉर्मली आप देख भी सकते हो, हमने बिल्कुल रोड के बीचों बीच जो हमारा गुड्डा है उसको बिठा दिया है। और गाइस यार फिलहाल ना यार अभी मुझको इसको देख कर ही डर लग रहा है यार। आप ही सोच कर देखिए यार, अंधेरी रात है, हमारे सामने गुड्डा पड़ा है यार, थोड़ा सा डर लगता ही ना। अभी ज्यादा टाइम निकाल करेंगे, फटाफट से इस गेम को शुरू करें। इस वीडियो में दिखाए गए किसी भी एक्सपेरिमेंट को घर पर ट्राई मत करना। तो गाइस यार अभी ना बिल्कुल यार अंधेरी रात भी पड़ी है, मिडनाइट का समय है वो शुरू हो चुका है। और गाइस यार अभी हमको देखना है कि गुड्डे के अंदर कोई आत्मा वगैरह आएगी या नहीं। और गाइस यार आत्मा से जल्दी संपर्क बनाने के लिए हमारे पास ये परफ्यूम भी है, हम इस गुड्डे पर लगा दो। तो गाइस यार अभी जो परफ्यूम है वो हमने गुड्डे के ऊपर लगा दिया है और अभी ना गाइस यार बिल्कुल यार एनाबेला वाली फीलिंग आ रही है यार, जैसा उस फिल्म में होता है ना पूरा, वैसा ही अब सारा कुछ चल रहा है। और अभी कुछ गाइस यार डायलॉग हैं वो हमको गुड्डे को बोलने हैं। और गाइस यार लोगों का मानना है कि जो गुड्डा है वो हवा में तैरने लग जाएगा, यानी कि गाइस यार हवा के ऊपर चला जाएगा पूरा। और गाइस यार ऐसा भी हो सकता है, और गाइस यार ज़्यादातर बंदों के साथ ऐसा हुआ है ना, जो गुड्डे की आँखें हैं वो निकल कर ही बाहर आ जाती हैं, या फिर कोई ऐसा मोमबत्ती गिरने का सीन, कुछ ना कुछ तो गाइस यार पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। इसलिए गाइस यार इसको जल्दी जल्दी कोई भी बंदा ट्राई नहीं करता खेलने के लिए, बट गाइस यार हम अपने रिस्क पर इस गेम को खेल रहे हैं। गाइस कमेंट कर जरूर बताना यार आपको ये गुड्डा कैसा लग रहा है। तो चलिए गाइस यार अभी फटाफट से डायलॉग बोलना शुरू करते हैं। हे टैडी टैडी, आई नो द थिंग यू विल टू डू, आई स्टोल योर लिटल बेबी। हे टैडी टैडी, आई स्टोल योर लिटल बेबी। तो गाइस यार अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल है, बट गाइस यार थोड़ी सी हिल हिलावट हुई है हमारे गुड्डे। ओ भाई भाग लो यार, भाग लो भाई। तो गाइस यार मान के ना सच यार, कुछ सस्पेंस क्रिएट करने के लिए हमने आप लोगों के साथ कुछ ऐसा किया है। और गाइस यार 100% मैं ये आपको बोलता हूँ कि आप लोग भी वो सच मान चुके होंगे, क्योंकि गाइस यार कैमरे के अंदर सिर्फ वो चीज आई है जिसमें गुड्डा हमारा हवा में उड़ा है, बट गाइस यार उसके पीछे का कुछ भी नहीं आया। तो गाइस यार अभी मैं आपको एक कड़वा सच बता देता हूँ यार, पीछे हमारा एक बंदा खड़ा था जिसके हाथ में था एक डंडा, और गाइस यार वो डंडे की मदद से यहाँ पर लाठी डालकर इसको ऊपर उठा रहा था। और गाइस यार कमेंट करो जरूर बताना यार आपको क्या वो बंदा पीछे दिखा था या नहीं, और बताना यार कि आप डरे थे या नहीं जब हम इस गुड्डे को हवा में उड़ाया था। और गाइस यार जिस डायलॉग की वजह से हमारा जो गुड्डा है वो हवा में उड़ा था, उस डायलॉग को मैं दोबारा से भी बोलकर आपको दिखा देता हूँ। हे टैडी टैडी, आई नो द थिंग यू विल टू डू, आई स्टोल योर लिटल बेबी, आई स्टोल योर लिटल बेबी। ये देखिए गाइस यार अभी कुछ भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ, जो हम आपको बता सके हमारे लिए वो नेगेटिव साइन था। बस गाइस यार अभी मैं यही बताना चाहता हूँ यार, ये सब कुछ फेक होता है, इसलिए गाइस यार
मैंने भी कहा यार ऐसा कैसे हो जाएगा, वो कैसा हो कैसे जाएगा। इसलिए गाइस मैं पूरी मिडनाइट में आया हूँ, गुड्डा भी रखा है, अंडा भी है उसके सामने, परफ्यूम भी इसके ऊपर छिड़का है, और गाइस सर भूत का भी इंतजार किया है क्या कोई आएगा भी या नहीं। फाइनली जब काफ़ी टाइम बीत चुका था अभी तक हमारे पास कुछ भी नहीं आया। और बस गाइस सर आज की वीडियो में तो इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।